बालोदा बाजार जिले की बिलाईगढ़ पुलिस एवं वन विभाग को संयुक्त रूप से बड़ी सफलता मिली, जिन्होंने दो गाड़ियों में भरा कुल 1 क्विंटल 33 किलो गांजा जब्त किया। प्राप्त जानकारी अनुसार मिलुहा जंगल के रास्ते दो गाड़ियों को आते देख ग्रामीणों को शंका हुई, जिन्होंने भिंडोरा गांव स्थित वन विभाग के बैरियर पर फोन के माध्यम से सूचना दी। आरोपियों की गाड़ियों को बैरियर पर रोका तो आरोपी गाड़ियों को छोड़कर भाग खड़े हुए। गाड़ी की तलाशी लेने पर गांजा भरा पाया, जिसे मौके पर पहुंची बिलाईगढ़ पुलिस और वन विभाग की टीम ने देखा। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त करते हुए कुल 133 किलो गांजा जब्त किया। समूचे मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। और फारेस्ट नाका में बंद कर दिए तो नाका के पास ही वाहन चालक छोड़ छाड़ के भर गए और उसको फारेस्ट वाले योजना बना करके उनको अधिन कार्रवाई दिया गया है। सर कार्रवाई जारी। तीन लोग भागे थे, एक पहली गाड़ी में दो व्यक्ति था, एक गाड़ी में एक व्यक्ति था, गाड़ी में दोनों गाड़ी पे गांजा ही था। कितना था टोटल? टोटल था उसमें 127 पैकेट था, 133.300 kg वो उसका वजन था। बिलाईगढ़ से करण साहू की रिपोर्ट।